अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, और आप भी होंगे इंशाल्लाह फिट फाट। मैं हूँ तैयबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बस चल रहा। और आज जो है तैयारी है और घर से निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं बाई ट्रेन कराची, और पूरी जो है ट्रेन की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं बहुत देर बाद ट्रेन का सफ़र कर रही थी, मे बी 13 ईयर्स के बाद मैं कराची जा रही हूँ, और थोड़ी एक्साइटेड भी थी। काफ़ी देर बाद जा रही थी, रिलेटिव्स हैं और जो है जेठानी है मेरी वहाँ रहती हैं, सबसे मिलना था। और स्टेशन जो है वो हम पहुँच गए हैं, और हम जा रहे हैं ग्रीन लाइन पे, और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो ग्रीन लाइन पे सफ़र कर रही हूँ। और अब देखिए कहते हैं कि सफ़र बहुत अच्छा रहता है इसमें। और अभी हम वेट कर रहे थे ट्रेन का वेटिंग एरिया में, और सफ़र बहुत लंबा है और थका देने वाला, लेकिन फिर भी अगर सफ़र मिलना हो सबसे तो कोई मसला नहीं। बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रेन का, लेकिन फिर भी मैं सोचा काफ़ी देर से मैंने सफ़र नहीं किया, तो एंजॉय करते हुए जो है हम सफ़र करेंगे। और मोहम्मद जो है अपने जो है कज़न के साथ है, और बस उसे पकड़ा हुआ था कि एक जगह नहीं जो है ठहर रहा था, बार बार भाग रहा था। और किस किस को ट्रेन का सफ़र पसंद है? बचपन में मैंने बहुत किया हुआ है कि अपनी खाला के पास अम्मी के साथ जाते थे और बहुत इन्जॉय करते थे ट्रेन का सफ़र। लेकिन आफ्टर जो है मैरिड मैंने वन टाइम जो है वो ट्रेन का सफ़र किया है, और अभी तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं सफ़र कर रही हूँ। और मोहम्मद का पहला सफ़र है ट्रेन में, और देखिए कैसा रहता है ट्रेन में मोहम्मद का सफ़र। और ट्रेन आ चुकी है, और हम जो है अपने जो है सीट्स हैं उनमें जो है वो सामान वगैरह सेट कर रहे थे। हमें जो है 6 का जो स्लीपर होता है उसमें सीट्स मिली थी बिजनेस क्लास में। हमने कोशिश की थी कि हमें 4 वाला मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सका, क्योंकि ये था कि वो 1 मंथ या आप 20 डेज़ पहले आप अगर सीट्स बुक कराते हैं तो मिल जाते हैं। तो अभी बस हम अपना जो नंबर का बॉक्स है वो स्लीपर है वो देख रहे थे, और हम पहुंच गए हैं और हम अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं। और अभी ट्रेन तो स्टार्ट नहीं हुई थी, और मोहम्मद देख रहा था कि मैं कहाँ आके बैठा हूँ, एक्साइटेड था। और चले जी, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, और दुआ करें कि खैरियत का सफ़र हो और आसानी से हो जाए। थोड़ी सी मैं परेशान हूँ मोहम्मद को लेके कि तंग ना करें, इतना लॉन्ग है कराची का सफ़र है, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करें अच्छा ही रहेगा। और अभी तो वो मस्तियाँ करने लगा हुआ था, और साथ जो हमारे स्लीपर था उसमें छोटा बच्चा था, और मोहम्मद बार बार उसी स्लीपर में जो है वो जाने की कोशिश कर रहा था। और काफ़ी मुश्किलों से हमने मोहम्मद को यहाँ जो है सेट किया, और मोहम्मद को मैंने फीडर बना दिया कि ताकि ये सो जाए। ये है कि ज़्यादा तो इस सफ़र में सो जाता है, तंग नहीं करता सफ़र में, जो है अभी लॉन्ग सफ़र है तो मेरी कोशिश थी कि ये सो जाए, और कोशिश मेरी कामयाब हो गई थी। मोहम्मद सो गया था आराम से, और अभी ये हमारा जो है खाना आया था, और ग्रीन लाइन में जो पेमेंट लेते हैं इसकी टिकट्स की, उसी में जो है खाने का भी होता है। बहुत अच्छा खाना था, और फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में सफ़र किया लेकिन बहुत अच्छा लगा। और इस ट्रेन में आपको साथ कोई भी सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं, ब्लैंकेट पिल्लो आपको हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। और रोगनी नान थे, गुलाब जामुन था, और चिकन का सालन था, दाल थी और बिरयानी थी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और हमने जो है खाना बहुत इंजॉय किया था, और यहाँ चाय भी जो है वो भी अच्छी है। वैसे अगर आप दूसरी ट्रेन्स में जाते हैं तो आपको खाना पका के लेके जाना पड़ता है, और वैसे भी इतना सामान हो जाता है कि लैगेज के साथ आप अगर बिस्तर वगैरह भी करें तो बड़ा मुश्किल होता है। और खाना तो हम खा चुके थे, और मोहम्मद भी सोया हुआ है। और 6 स्लीपर्स में, 6 सीटर में हमने 3 सीट्स ली थी, क्योंकि हम जो स्लीपर्स की जो सेंटर वाली बर्थ होती है वो हम ओपन नहीं करते, क्योंकि अगर हम किसी और को सीट देंगे तो हमें बर्थ ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे के साथ कभी आपको उठना है, फीडर बनाना है,
तो बड़ा मुश्किल है कि आप बार बार अगर बर्थ ओपन है तो मुश्किल, इसलिए हमने 3 सीट्स ली थी कि हमें इसके मोहम्मद के साथ मुश्किल ना हो। लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय हमारा जो सफ़र हम करते रहे हैं, और क्लीन बहुत ही। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि 4 टाइम जो है यहाँ उन्होंने क्लीन किया, ब्रश लगाया, बहुत सफाई का ख्याल रखा जा रहा था। बार बार डस्टबिन जो है वो खाली कर रहे थे, मोबाइल चार्ज आसानी से कर सकते हैं। और आपको भी अगर लॉन्ग जो है ट्रैवल करना हो तो आप ग्रीन लाइन में ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा सफ़र रहा था हमारा, और अगर आप भी करेंगे तो अच्छा सफ़र रहेगा। रात हमारी बहुत अच्छी गुजरी थी, और सुबह सुबह हमारा नाश्ता आ गया था। इतनी सुबह वैसे करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन गरम गरम था, आमलेट था सिंपल और पराठा था, लेकिन अच्छा था। और ठंडा पराठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने सोचा मैं सुबह सुबह ही आज नाश्ता कर लेती हूँ। और चाय तो अभी नहीं आई थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने किचन बनाया हुआ है, वहाँ से आप जाके चाय जो है बाय कर सकते हैं, जब चाय कर आती है वैसे भी। और वहाँ से 100 में भी 100 रुपीज़ की चाय बहुत अच्छी मिल गई थी, वैसे वो भी देते हैं, और वो भी चाय बहुत अच्छी थी। और नाश्ता भी हमने बहुत इंजॉय किया, और भी बहुत अच्छी जो है वो ना सहूलतें ट्रेन में दी हुई हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, और मैंने पूरा सफ़र जो है वो तकरीबन जाग के गुजारा है। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मोहम्मद को सुलाया हुआ था, मुझे था ये गिर ना जाए। और बच्चों के साथ आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है, और मुझे बस ये था कि मैं उसका ख्याल कर लूँ। इसके बाबा ऊपर बर्थ में सो गए थे, और मैं जो है मोहम्मद का जो है ख्याल करती रही हूँ सफ़र में। और सुबह हो गई थी, लेकिन मोहम्मद जो है माशाल्लाह सोया रहा, और वो है 10 o'clock तक उठ जाता है आराम से। ये देखिए बार बार सफाई करने आते थे, और इससे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे गंदा हो सीट्स के साथ, कचरा हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और हमने बहुत फर्स्ट टाइम मैंने इस ट्रेन में सफ़र किया था, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। और डिफरेंट स्टेशंस आ रहे थे, और जो है कुछ के नाम मुझे याद भी नहीं रहते। और जो जो ग्रीन लाइन में बहुत ज़्यादा स्टॉप्स नहीं है, कम स्टॉप पे जो है रुकती है, इसलिए ये ट्रेन टाइम पे चलती है और टाइम पे पहुंचती है। और मैं इसलिए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर किसी ने ट्रैवल करना हो, अगर चूज़ करनी हो ट्रेन, तो बहुत बेस्ट है कि आपका टाइम बच सकता है, और जो है आप किसी और ट्रेन पर, आपकी अपनी चॉइस है। और भी बहुत सहूलतें हैं। सुबह हम कंघी करें ना करें, उन्होंने हमें छोटी छोटी कॉम दे दी थी, और जैसे पेयर्स में थे, पेस्ट थी और ब्रश था, ब्रश बहुत सॉफ्ट था, अच्छा था। मतलब आपकी ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो ट्रेन में अवेलेबल है। और साथ जो है मोहम्मद के लिए उन्होंने वाइप्स दिए थे, बेबी वाइप्स, तो वो जिनके साथ बच्चे हैं उनको दिए थे। और मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ लगी कि आपको ज़रूरत की हर चीज़ जो है यहाँ मिलेगी। जैसे मुझे फीडर वॉश करने के लिए लिक्विड चाहिए था, तो वो भी उन्होंने हमें अवेल किया था कि आप लेके जो है वो फीडर वॉश कर लें। और मुझे जो है बहुत जो है ये सफ़र अच्छा लगा। और अभी जो है थोड़ी देर में ही जो है हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है, और मोहम्मद ने खूब मस्तियाँ की, खूब इंजॉय किया। बच्चे वैसे भी अपनी नींद पूरी करके रहते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद की बहुत अच्छी आदत है, एक तो ये हर जगह एडजस्ट हो जाता है, और ना ही रोता सोता है, ना ही रोता उठता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत है। और साथ साथ हम खूबसूरत नज़ारे देखते गए हैं, अच्छा लग रहा था। देर बाद सफ़र करना, बहुत सी पुरानी यादें थी जो वो भी ताज़ा हो गई। और इतनी देर से सफ़र किया था, अम्मी के साथ बहुत सफ़र किया हुआ ट्रेन का बहुत पहले, तो वो याद मुझे आ गई। और थक भी बहुत चुके हुए थे, बहुत ज़्यादा थकावट तो हो ही जाती है, आप ऑल द टाइम बैठे हुए हैं। और सिर्फ मोहम्मद की वजह से मैं नहीं सोई थी, लेकिन ये है कि सीट्स थी हमारे पास, 3 थी, पर 2 थी, 1 सीट थी जी। तो सफ़र हमारा ख़त्म हुआ है, और हम पहुंच चुके हैं कराची रेलवे स्टेशन पर। और बहुत देर बाद हम इस रेलवे स्टेशन पे आए थे, और मुझे लेने आई थी हमारी भाभी थी, और अभी
अभी हम जा रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत इतना मुश्किल लग रहा था कि हमें सीढ़ियों को चढ़ के एक रूसा बनाया हुआ था और वहाँ जाना था, और मुझे मोहम्मद के साथ इतना मुश्किल लग रहा था यहाँ से चढ़ के दूसरी तरफ से उतरना। और अभी भी हम जो है हस्बैंड ने ज़्यादा सामान तो नहीं उठाया था, और मैं तो मोहम्मद को सिर्फ लेके जा रही थी, वो भी मुझे मुश्किल लग रहा था लेके जाना। और रश कितना है, ज़ाहिर है इतने पसेंजर्स आते हैं, कोई ना कोई लेने आया है या कोई जा रहा है। ये है भाई कराची शहर में हम पहुंच गए हैं, और बहुत से ब्लॉग्स भी आ सकते हैं कराची शहर के, वीडियो देखते रहिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जब आप वीडियो वॉच करते हैं। और साथ साथ मैं आपको थोड़े से नज़ारे कराची के जाते हुए दिखाती जाती हूँ, आप भी देखते जाएं जब तक हम घर जा रहे हैं। और ये है हमारा प्यारा कराची शहर, बस इसे क्लीन रखें जो कराची में रहते हैं तो शहर बहुत प्यारा है। अगर आप इसे साफ़ सुथरा रखें, कचरा ना फेंकें जगह जगह। और ये था मेरा आज का व्लॉग ट्रैवल जो मेरा लाहौर से कराची था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। और लास्ट में जो है दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।